जौनपुर में इस बार लोकसभा की सीट बेहद रोमांचक मुकाबले की ओर बढ़ रही है, क्योंकि यूपी की जौनपुर सीट से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह ने कई दिन पहले ही ताल ठोक दी थी, लेकिन अब धनंजय सिंह को धमकी और अपहरण के मामले में सजा हो गई है। इस मामले में कोर्ट धनंजय सिंह को सजा सुना चुका है और इसी बीच धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उनका एक वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वो गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह अखिलेश यादव का ये वीडियो बेहद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश और धनंजय आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। दोनों गर्मजोशी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे से मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों का वीडियो फरवरी के महीने का है, जब दोनों लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक शादी समारोह में मिले थे। शादी समाजवादी पार्टी नेता राहुल सिंह की थी, जिसमें धनंजय और अखिलेश आमने सामने आ गए। इस वीडियो में अखिलेश यादव के साथ मोती सिंह, राम सिंह और धनंजय सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के लिए पार्टी नेताओं से भी बातचीत की थी। कई राउंड बातचीत हुई थी और जल्द ही सब कुछ फाइनल होने वाला था, लेकिन अखिलेश यादव से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन शादी की मुलाकात का वीडियो अब सामने आया है और वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि ये अखिलेश और धनंजय की नई दोस्ती की शुरुआत थी। आपको बता दें कि अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के साथ पुरानी राजनीति में रहने के चलते धनंजय सिंह से पुराना परिचय है और समाजवादी पार्टी के साथ उनके पुराने अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। धनंजय सिंह फिलहाल जदयू में हैं और पहले माना जा रहा था कि जौनपुर की सीट नीतीश कुमार लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए के साथ जाने के बाद धनंजय सिंह अकेला महसूस कर रहे हैं और वो फिर से जौनपुर से अपनी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इससे पहले ही धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुना दी गई है। ये सजा ऐसे वक्त में आई है जब लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुके हैं और दो दिन पहले ही धनंजय सिंह ने ऐलान किया था कि वो जौनपुर से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस मामले में सजा हुई अगर उसकी बात करें तो मुजफ्फरनगर के रहने वाले जौनपुर में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धनंजय और उनके साथी संतोष विक्रम को जेल जाना पड़ा था। लंबे समय के बाद उन्हें जमानत मिली और जमानत के बाद अब उन्हें सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि सजा मिलने और जेल जाने के बाद ये माना जा रहा है कि धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्री कला को यहाँ से लड़ा सकते हैं। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी की संभावना बढ़ गई है और आने वाले समय में जौनपुर में चुनाव बेहद रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने केपी सिंह को उतार दिया है और अब उनके मुकाबले में एक प्रत्याशी कम होने के बाद धनंजय सिंह विकल्प की तलाश में जुट गए हैं। हालांकि धनंजय सिंह की तैयारी काफ़ी पहले से थी। अब देखना यह है कि अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है तो क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।